हमारी विद्यालय देश की वो स्थान है जहां नींव रखी जाती है देश की भविष्य की। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का आलोक जन जन तक पहुंचाने के लिए हर एक किलोमीटर पर एक प्राथमिक स्कूल, हर 3 किलोमीटर पर एक उच्च प्राथमिक स्कूल, हर 5 किलोमीटर पर एक हाई स्कूल और हर 7 किलोमीटर पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने का प्रावधान है। इतनी बड़ी संख्या में खुले स्कूलों के प्रबंधन और विकास के लिए प्रत्येक शाला में गठन किया गया है सामुदायिक सहयोग से शाला प्रबंधन समिति का। एक अच्छी शाला प्रबंधन समिति का ये दायित्व तो है कि वो ध्यान रखे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं, शाला परिसर स्वच्छ और सुंदर हो और वहाँ बच्चों के लिए व्यायाम और खेलकूद की समुचित व्यवस्था हो। सामुदायिक शाला प्रबंधन समिति का ये भी दायित्व तो है कि छात्रों को पीने योग्य स्वच्छ जल मिले, विद्यालय के शौचालय साफ सुथरे हों, वहाँ प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो और बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हों। सामुदायिक सहभागिता की एक और मिसाल देखने को मिलती है विकासखंड आरंग के प्राथमिक शाला मुनगेसर में, जहाँ ग्रामीणों की मदद से स्कूल भवन का निर्माण कर क्लासरूम में अलमारी, बच्चों की पढ़ाई के लिए राइटिंग पैड दिया गया, साथ ही शाला की दीवारों का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। गांव की महिलाओं की सहभागिता से स्कूल में साफ सफाई, स्वच्छता और मध्याह्न भोजन बनाने, साथ ही बच्चों को स्कूल लाने और छोड़ने के कार्य में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के लिए खाना बनाना, और स्वच्छता के तहत हम लोग मस्त साफ सुथरे से खाना बनाते हैं और बच्चे को बैठा के भी खाना खिलाते हैं। बिरहोर जनजाति के क्षेत्र के लोग रहते हैं जो स्कूल आने में असमर्थ हैं या किसी कारणवश स्कूल नहीं आना चाहते हैं, तो मैंने उसी गांव के समुदाय के साथ मिलकर, बिरहोर जनजाति के समुदाय के साथ मिलकर बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास किया। मैंने उन पर एक किताब भी लिखी जो बच्चों को स्कूल आने में बहुत फायदेमंद साबित हुआ। वहीं ग्रामीण जन के सहयोग से लुप्त हो चुकी परंपरागत वस्तुओं से बच्चों को अवगत कराया जाता है जो कभी हमारी सांस्कृतिक विरासत कहलाती थी। स्कूल के प्रांगण में पुरखौती की सुरता का भी निर्माण कराया गया है, तो उसमें भी बहुत अच्छी सामान जो है अपना जो पुरखों का उनको सजो कर रखा गया है। शाला के प्रति ये तो शाला विहीन था। मैंने इस भवन को शासकीय हाई स्कूल के लिए भी दिया था संचालन के लिए, और अपना कष्ट सहते हुए अन्य शालाओं में भी अध्यापन किया, और पिछले ही मेरे रिटायरमेंट के शायद बाद में मुझको ये शाला मिली, और तब तो ये शाला पूरा अहाता विहीन था। तो सबसे पहले मैंने उसको अहाता बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया, मार्गदर्शन किया। मैं यही चाहता हूँ कि समाज भी शाला के लिए ऐसे ही सहयोग प्रदान करते रहे, तो शाला का कायाकल्प पलट जाता है, उज्ज्वल होगा भविष्य का बच्चों का। स्कूल के योगदान में मैं कुछ सहभाग कर सकूं, सहभागी बन सकूं, इसके लिए मैंने कुछ अपने तरफ से राइटिंग पैड और बहुत सारी चीज़ों का योगदान किया है। खेल सामग्री से लेकर सभी चीज़ मैं यहाँ जो ज़रूरत के हिसाब से अपने सहयोग जो हो सकता है मैंने यहाँ दिया। 2016-17 में स्कूल पूरा जर्जर था सर, छत नहीं था, पूरा नीचे भी पानी से चू रहा था, तो उसके लिए गांव वाले ध्यान दिए और पूरा लकड़ी जुगाड़ करके फिर सीट उट लगाए। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से शिक्षा से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य सहयोग दे रहे हैं, जिनमें प्रदेश के कई शालाओं में स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया गया, स्कूल भवन की मरम्मत करवाई गई, आंगनबाड़ियों और प्राथमिक शाला में एक खिलौना कॉर्नर भी बनाया गया। सामुदायिक सहयोग से बच्चों के लिए स्कूलों में सामुदायिक पुस्तकालय भी खोले गए। शिक्षा में सामुदायिक सहयोग है एक अनूठा अनुष्ठान। बस्ती बस्ती गांव तय कर रहे हैं शिक्षा के नए सोपान।